मुंबई अ सिटी ऑफ ड्रीम्स या मुंबई अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ हैपनिंग सा होता है। मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये सिटी फेमस है ही फॉर इट्स यूनिक नाइट लाइफ, बट साथ ही फूड, म्यूजिक, कल्चरल फेस्टिवल्स एंड बाकी चीज़ों में भी मुंबई टॉप लिस्ट में है। इस वीडियो में हम आपको मुंबई के कुछ ऐसे आइकॉनिक प्लेसेस दिखाने वाले हैं जो आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब प्लेसेस पे आप अकेले, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ भी घूम सकते हैं। सबसे पहले हम आए हैं एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में। ये मुंबई की सबसे पुरानी और फेमस लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप CST स्टेशन से चल के 10-15 मिनट्स में आ सकते हैं या फिर टैक्सी भी ले सकते हैं। बट इस लाइब्रेरी में हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन है जिनके पास रेजिडेंट मेंबरशिप या रीडर मेंबरशिप है। इस लाइब्रेरी के सामने ये स्टेयर्स इतने ब्यूटीफुल तरीके से बनाए गए हैं कि उसे देख के हर किसी को यहाँ फोटोज क्लिक करने का मन करता है। उसके बाद आप चल के ही काला घोड़ा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो करीब 5 मिनट्स की दूरी पे है। इस जगह को काला घोड़ा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ एक ब्लैक स्टोन स्टैचू हुआ करता था ऑफ किंग एडवर्ड 7 विच वॉज माउंटेड ऑन अ हॉर्स। इस स्टैचू को 1965 में निकाल कर भाईकला जू में रखा गया था। फिर 2017 में एक सिमिलर काला घोड़ा का न्यू स्टैचू विदाउट अ राइडर यहाँ पे लगाया गया। बहुत पहले की बात है, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना भी नहीं था तब से मर्चेंट्स इस जगह पे शेयर्स की ट्रेडिंग किया करते थे। काला घोड़ा ऑल्सो हैज अ रेप्यूटेशन एज अ लग्जरी फैशन एंड डिजाइन डिस्ट्रिक्ट इन साउथ मुंबई। यहाँ पे सब बड़े बड़े फैशन स्टोर्स और डिजाइनर्स के भी शॉप्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि सब्यसाची, ऋतु कुमार और फाल्गुनी शाने। यही लेन में बहुत सारे फेमस कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे कि काला घोड़ा कैफे, बेक हाउस कैफे, नट क्रैकर, पंजाब ग्रिल। काला घोड़ा के ठीक सामने है डेविड ससून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। ये लाइब्रेरी के साथ एक हेरिटेज स्ट्रक्चर के तौर पे भी फेमस है, विच वॉज बिल्ट इन 1870। फिर इसके सामने ही आप देख सकते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी। There is no entry fee here and it is open from 11 to 7 PM. यहाँ पे एक टाइम पे सब बड़े बड़े आर्टिस्ट के आर्टवर्क डिस्प्ले हुआ करते थे, जैसे कि MF हुसैन, शशिकांत धोत्रे। ये आर्ट गैलरी में टोटल 4 हॉल्स है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नया एग्जीबिशन में देखने मिलता है। You will definitely fall in love with the paintings, sculptures and the photographs displayed here. जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर भी कई सारे लोकल आर्टिस्ट के आर्टवर्क भी आपको देखने मिलेंगे। फिर यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, और यहाँ पे भी एंट्री फ्री है। इसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको आराम से 2 से 3 घंटा लग सकता है। यहाँ पर डिफरेंट सिविलाइजेशंस के एग्जीबिशंस एंड आर्ट कलेक्शंस होस्ट होते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के ठीक अपोजिट में है रीगल सिनेमा। ये इंडिया का फर्स्ट एयर कंडीशन सिनेमा हुआ करता था जहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग और एलिवेटर भी थे। फिर यहीं से ये कुलाबा कॉजवे का एरिया स्टार्ट होता है जहाँ आपको वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, शूज, बैग्स, ज्वेलरी और एंटीक चीजों के कलेक्शंस देखने मिलेंगे। बट हाँ, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपको थोड़े अच्छे बार्गेनिंग स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है। और ये है लियोपोल्ड कैफे जहाँ 26/11 में टेरर अटैक हुआ था। इस कैफे में अभी भी वो सब बुलेट मार्क्स देखने मिलते हैं। इसी लेन में अगर आप शॉपिंग करते करते थक गए हैं तो मैकडॉनल्ड्स और कई सारे छोटे फूड स्टॉल्स भी यहाँ पे आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद 2 मिनट के डिस्टेंस पे है फेमस गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप डायरेक्ट CST स्टेशन से 20 रुपीज शेयर टैक्सी करके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हमेशा ही चारों तरफ भीड़ देखने मिलेगी क्योंकि ये मुंबई का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। इसे देख के एकदम रिच कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे याद आती है। गेटवे ऑफ इंडिया एक चीफ पोर्ट्स में से एक है और बाय सी आने वाले विजिटर्स को ये वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी विजिबल हुआ करता था। हियर यू ऑल्सो गेट टू सी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो गेटवे और ताज के साथ आपके फोटोज क्लिक करते हैं। यहीं से और एक यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए बोट जाती है, वो है एलिफेंटम। बोट से वहाँ पहुँचने के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है।
गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में एक छोटा कबूतर खाना भी है, जहां आपको ढेर सारे कबूतर देखने मिलेंगे और उनको दाना देते हुए फोटोज क्लिक करते हुए कई सारे टूरिस्ट भी। इसके बाद यहां अगर आपको भूख लगी है तो गेटवे के एंट्री गेट के बाजू में ही एक कैंटीन और वॉशरूम भी है, यहां आप लोग बैठकर स्नैक्स खा सकते हैं। गेटवे के सामने ही ताज होटल है। डायमंड बाय द सी के नाम का दर्जा दिया गया ये ताजमहल पैलेस एक आर्किटेक्चरल ज्वेल है। इसे बनाया गया था इन 1903। हाँ, ये वही ताज होटल है जहाँ पे 26/11 में आतंकी हमला हुआ था। पहले के जमाने में जब गेटवे ऑफ इंडिया नहीं था, तब ये ताज का आइकॉनिक डूम एक फर्स्ट क्लियर मार्कर था फॉर द सी विजिटर्स कमिंग टू बॉम्बे हार्बर। इसी लेन में पीछे है फेमस बड़े मियाँ का फूड आउटलेट, जहाँ बहुत बढ़िया कबाब और बिरयानी खाने मिलती है। अब हम निकले हैं टुवर्ड्स गिरगांव चौपाटी। अब टुवर्ड्स गिरगांव चौपाटी जाने के टाइम इस तरफ आप देख सकते हैं मत्स्यालय यानी तारापुर वाला एक्वेरियम। ये सिर्फ मंडे को बंद रहता है और बाकी पूरे डेज ओपन होता है फ्रॉम 10 to 8 PM। अब हम आए हैं गिरगांव चौपाटी में। ये वही गिरगांव चौपाटी है जहां मुंबई के सबसे फेमस गणपति लालबाग सा राजा का विसर्जन होता है। यहाँ पे आप गेटवे से 20 रुपए शेयर टैक्सी लेके आ सकते हैं। रिसेंटली गिरगांव चौपाटी में एक विविंग डेस्क बना है, जहां से आप ब्यूटीफुल अरेबियन सी के नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ चौपाटी में आप कईयों को देख सकते हैं, कोई पानी में डुबकी लगा रहा है तो कोई चटाई डाल के अपने फैमिली के साथ पिकनिक मना रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हैं, जहाँ आपको गर्मा गर्म पाव भाजी, भेलपुरी, पानीपुरी, सैंडविच, आइसक्रीम एंड कोल्ड कॉफी मिलेगी। गिरगांव चौपाटी के इधर एक गार्डन भी है, जहाँ बड़े बुजुर्ग एक्सरसाइज करते हुए अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए आपको दिखेंगे। आप यहाँ पे भी आराम से बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसकी कोई एंट्री फी नहीं है। इसके बाद दिन ढलने आया था तो मरीन ड्राइव आके सनसेट मिस किया ऐसे हो ही नहीं सकता। मरीन ड्राइव तो ऐसे फेमस है ही, बट सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ सनसेट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पे इस शहर के शोर में भी आप शांति पा सकते हैं, ढलता हुआ सूरज और लहरों की आवाज सुनते हुए चाय की चुस्कियां लेते हुए। कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मरीन ड्राइव एक 4 किलोमीटर का आर्क है, जो नरीमन पॉइंट से शुरू होकर गिरगांव चौपाटी तक खत्म होता है, और इसे पूरा कवर करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा। इसे क्वींस नेकलेस भी बोला जाता है, क्योंकि रात में इसके स्ट्रीट लाइट्स एक नेकलेस की पर्ल्स की तरह चमक उठते हैं। यहाँ आप डायरेक्ट चर्चगेट स्टेशन से भी आ सकते हैं, चल के करीब आपको 2 से 5 मिनट लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइडेंट होटल, जो एक टाइम पे इंडिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था, जो 30 फ्लोर टॉल था। मरीन ड्राइव के लास्ट में यह आप देख सकते हैं नरीमन पॉइंट। इसे अभी बंद कर दिया गया है, वरना पहले भी यहाँ लोग जाकर फोटोज क्लिक करते थे। बाय द वे, अगर आप बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं तो आपको याद होगा कि मुन्ना भाई MBBS और वेकअप सेट के कुछ सीन्स यहाँ शूट हुए थे। आफ्टर दिस वी वेंट टू दिल्ली दरबार टू हैव सम डिलीशियस फूड। इट इज बिलीव दैट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट रेस्टोरेंट इन मुंबई सिंस 1946। यहाँ से खाना खाने के बाद हम गए मुंबई के फेमस और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पे। ये दुनिया के बेहतरीन फंक्शनल रेलवे स्टेशन में से एक है, जहाँ पे मोर देन 3 मिलियन यात्री डेली ट्रैवल करते हैं। ये एक मेन रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मुंबई के लोकल ट्रेन्स और आउट स्टेशन जाने वाले ट्रेन्स छूटते हैं। इस स्टेशन को बनाया गया था इन इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर स्टाइल। इसे पूरा बनाने में 10 साल लग गए थे। इट वॉज ऑल्सो फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनल्स। इस स्टेशन में एक छोटा म्यूजियम भी है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। इस आइकॉनिक स्टेशन को फोटो में कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है, और क्योंकि इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे स्टेशन के सामने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, जहाँ पे आप आराम से फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सामने ही देख सकते हैं, यह BMC का हेडक्वार्टर। यहाँ आके हमने मुंबई के लोकल ट्रेन की भी सफारी कर ली, और मुंबई में रह के एक चीज तो माननी पड़ेगी, यहाँ के लोकल ट्रेन्स आर द बेस्ट एंड सेफेस्ट ऑप्शन टू ट्रैवल विद इन द सिटी।
तो बस आज के लिए यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे कोई और एक नई जगह लेके। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू।